इंडिया घटक दलों की तीसरी बड़ी बैठक महाराष्ट्र की मुंबई में होने जा रही है। मेरे साथ नाना पटोले हैं, कांग्रेस के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। क्या रणनीति है, कौन चेहरा होगा? नाना भाई, सबसे पहला तो यही सवाल है, पूरे देश में ये सवाल तैर रहा है कि संयोजक कौन बनेगा इस बैठक में। देखो, ये इंडिया अलायंस के मीटिंग में इसका डिसीजन होगा और 1 तारीख को प्रेस मीट में आपको बताया जाएगा। वो इंडिया अलायंस मीटिंग का एजेंडा है। रही बात ये मुंबई में इंडिया अलायंस की मीट हो रही है, ये हमारे लिए सब हम लोग खुशकिस्मत है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में ये मीटिंग हो रही है। और जहाँ से महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को चले जाओ का नारा दिया था और अंग्रेजों को ये देश से, एक तानाशाह प्रवृत्ति को ये देश से भागना पड़ा, और ये अलायंस की, इंडिया अलायंस की मीटिंग भी अब मुंबई होने जा रही है। यहाँ से एक बड़ा मैसेज पूरे देश में ये मीटिंग का जाने वाला है। इस बैठक में और क्या क्या हो सकता है? कहा जा रहा है कि लोगो भी लॉन्च किया जाएगा, और क्या क्या हो सकता है? लोगो होगा, कुछ एजेंडा इंडिया अलायंस की मीटिंग का बनाया है, उसके ऊपर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि ये मीटिंग एक का मैसेज पूरे देश में बड़े पैमाने में जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु में हमारे पास 26 लोग थे, 26 दल थे, अभी वो 28 हो गया है। इंडिया अलायंस बढ़ते जा रहा है, और आपने देखा होगा कि चाइना ने हमारे अरुणाचल को अपने कब्जे में दिखाया है, उसका अब उनके मैप में दिखाया है। जैसे जैसे इंडिया अलायंस बढ़ेगा, वैसे वैसे चाइना अपने देश में भागेगा, क्योंकि देश की जो सरकार है वो देश की जनता के ऊपर तानाशाह कर सकती है, उनके ऊपर अत्याचार कर सकती है। मणिपुर, हरियाणा, ये सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। और प्रधानमंत्री लोकसभा में जब राहुल जी सवाल पूछते कि भारत माँ की हत्या हो रही है, और प्रधानमंत्री हंस रहे, वहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर उनको जलाया जा रहा है, अभी भी वहाँ पर खून खराबा चल रहा है, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, और प्रधानमंत्री को उसकी थोड़ी भी चिंता नहीं है, लोकसभा में हंस रहे, तो देश के लोगों में गुस्सा है। और मुझे लगता है कि ये इंडिया अलायंस के साथ और लोग जुड़ेंगे, और कई दल जुड़ेंगे, और देश में एक परिवर्तन। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखो, ये आज की स्थिति में कांग्रेस के हम लोग हैं, तो हमें लगेगा कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने, स्वाभाविक है, सब दल अपने अपने नेताओं के बारे में बोलेंगे, लेकिन आज ये मुद्दा हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व नहीं है। हमारे लिए देश का लोकतंत्र, देश का संविधान, और एक तानाशाह प्रवृत्ति देश की सत्ता में बैठी है, उसको सत्ता से बाहर करना, यही इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और वही तैयारी इंडिया अलायंस के माध्यम से हो रही है। ये आपने बड़ी बात कही कि आप बतौर कांग्रेसी, कांग्रेस का नेता होने के नाते, तो आप चाहते हैं कि राहुल गांधी से बेहतर कोई चेहरा नहीं है। हमने कह दिया कि हमारे नेता राहुल गांधी जी में वो कैपेसिटी है, वो देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक है, लेकिन आज हमारे लिए वो महत्व का नहीं है। आज महत्व का है देश बचाना, देश का लोकतंत्र बचाना। भारत माँ की रोज हत्या हो रही, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उस बात को सरकार के सामने कहा कि आप भारत माँ की हत्या कर रहे हो, आप हत्यारे हो, ये सवाल हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में किया, और ये वास्तविकता है। तो हमें लगता है कि एक लड़ने वाला योद्धा, जो देश के लिए कुछ भी कर मिटने की क्षमता रखने वाला हमारा नेता, ये देश का प्रधानमंत्री बने, ये कांग्रेस कार्यकर्ता और देश की कई जनता का यही मत है। लेकिन ये समय, ये कौन वहाँ प्रधानमंत्री बनता उसका नहीं, ये सवाल है देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का है, देश को बचाने का है। हमारे कैमरामैन सिद्धेश के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ एशियन, मुंबई।